programming the 8253 8254 we will discuss here the complete functional definition of 825354 is programmed by the system software once the 825354 is programmed 825354 is ready to perform various uh, tasks each counter of 825354 is individually programmed by writing a control word into the control word register 825354 can be programmed to provide various type of output through write operation पहले हम क्या कह रहा है राइट ए कंट्रोल वर्ड कंट्रोल वर्ड लिखना है आपको जो आएगा, वो में लिखना है लोड द रोडर बाइट ऑफ काउंट इन द काउंट रजिस्टर

यूजिंग द आउटपुट सिग्नल कैसे कह रहा है वैन द काउंट वैल्यू रीज टू जीरो एंड काउंटिंग इज एंडेड जब काउंट वैल्यू जो है आपकी कहाँ पर आ गई जीरो पर आ गई काउंटिंग आपकी एंड हो गई द आउटपुट सिग्नल गोज टू हाई तो आपका आउटपुट सिग्नल हाई हो जाता है दिस हाई सिग्नल कैन बी यूज टू इंटरप्ट द माइक्रो प्रोसेसर ये आपका हाई सिग्नल यूज हो सकता है आपका कहां पर इंटरप्ट माइक्रो प्रोसेसर सिंपल रीड इट इन्वॉल्व द रीडिंग रीडिंग काउंट आफ्टर स्टॉपिंग द द द काउंटर बाय कंट्रोलिंग गेट और सिग्नल रीडिंग ऑपरेशन इज परफॉर्म टू रीड ऑपरेशन काउंट द फर्स्ट रीड ऑपरेशन रीड्स द लोडर बाइट फर्स्ट ऑपरेशन फर्स्ट रीड ऑपरेशन क्या कर रहा है यहाँ पर रीड uh, करेगा लोडर बाइट को एंड द सेकंड ऑपरेशन रीड द हाई ऑर्डर बाइट If there is only 8-bit count 8-bit count, then it required one read operation only and there will be no second uh, operation. Reading on the fly. In this method, the counter is read. उंटर इज रीड वाइल द काउंटर इज इन प्रोग्रेस एंड अप्रोप्रिएट कंट्रोल इन टू दोलिटर बिट काउंट के लिए आप क्या करोगे दो रीड ऑपरेशन होंगे फर्स्ट रीड ऑपरेशन रीड दर बाइट एंड सेकंड ऑपरेशन रीड दर्डर बाइट

एंड एंड यहाँ पर क्या कह रहा है कि ए जीरो ए वन की वैल्यू वन वन है सी एस बार आपका जो है होगा वो जीरो होगा रेड बार वन होगा राइट बार जो है आपका जीरो होगा तो आप क्या करोगे डी जीरो को जीरो कर दिया आपने अब यहाँ पर से D1, D2, D3 ये काउंटर जीरो काउंटर वन एंड काउंटर टू है यहाँ पर यह आपका सेलेक्ट होगा कि कौन सा काउंटर है यहाँ पर D0, D2, D3 अब D1 जो है जो ये काउंटर जीरो के लिए सेलेक्ट काउंटर वन तो यहाँ पर जैसे ही वन करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और ये D2 अगर काउंटर वन सेलेक्ट करना है तो D2 अगर D3 पर वन है तो सेलेक्ट द काउंटर थ्री डी फाइव पर, पर जो आपकी काउंटिंग होगी और डी फोर पर आपका क्या दिखाएगा स्टेटस दिखाएगा तो अब डी फोर जैसे जीरो दिखा रहा है यहां पर तो काउंट काउंट ऑफ़ ऑफ़ सिलेक्टेड सिलेक्टेड काउंटर काउंटर एंड तो ये काउंट और स्टेटस जो दिखा रहा है यहाँ पर किसका दिखाएगा जो भी सिलेक्टेड काउंटर होगा आपका रीड बैक द स्टेटस बिट डी फोर ऑफ रीड बैक कमांड इज लो जैसे ही आपका ये क्या कह रहा है स्टेटस वाली बात हो रही है तो रीड बैक कमांड इज लो द स्टेटस ऑफ काउंटर इज लेस्ट बाय राइटिंग द रीड बैक कमांड इन द कंट्रोल वर्ड ठीक है ना कंट्रोल रजिस्टर विद स्टेटस बिट डी फोर लो द स्टेटस ऑफ काउंटर इज द रीड फ्रॉम द काउंटर फिगर टेन पॉइंट थ्री वन सोज द काउंटर स्टेटस फॉर्मेट काउंटर स्टेटस फॉर्मेट जो था वो आपका कुछ इस तरीके से था एम एम सी डी था यहाँ पर एम जीरो एम एम वन एंड टू यहाँ पर ये यह आपके वो थे कौन कौन से कौन से मोड्स होंगे Rw 0, Rw ये आपका रेड राइट ऑपरेशन वाला था नल काउंट यहाँ पर डी सिक्स में दिखा रहा है ये और डी सेवन आपका आउटपुट दिखा रहा है तो आउटपुट भी इज वन तो वन होगा तो मतलब वन पर हो तो जीरो पर होगा one मतलब नल काउंट और जीरो जीरो काउंटिंग अवेलेबल है रीडिंग तो के लिए यहाँ पर डी फोर डी फाइव की बात कर रहा है स्पेसिफाई रेड राइट ऑपरेशन कंट्रोल वर्ड में बात हो रही है डी वन टू डी थ्री स्पेसीफाई मोड ऑफ द काउंटर कंट्रोल वर्ड में कौन सा होगा बाइनरी काउंटर होगा की बीसीडी काउंटर होगा वन और अगर ये जीरो होगा तो तोBCD काउंटर होगा ये मिसप्रिंट है वन यहाँ पर ठीक है ना अब अकॉर्डिंग टू फिगर 10.32 डिटरमाइन द फॉलोइंग यहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि 3. 10.32 एक न्यूमेरिकल है उसमें जो आपको डिटरमाइन करना है आइडेंटिफाई द पोर्टेटर्स ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर एंड काउंटर 2 ठीक है आपको पोर्ट एड्रेस ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर फाइंड आउट करना है एंड कंट्रोल टू का फाइंड आउट करना है राइट ए सब रूटीन टू इन काउंटर टू इन मोड जीरो मोड जीरो में काउंटर टू को इनसलाइज करना है विद अकाउंट ऑफ डेसिमल में द सब रूटीन शुड आल्सो इंक्लूड था रीडिंग काउंट वैन द फ्लाई द काउंटर इज टू जीरो प्रोग्राम राइट ए मैन प्रोग्राम टू डिस्प्ले डिसकेंड बाई कॉलिंग द सब रूटीन एज मेनी टाइम्स एज द नेसेसरी अब इसको जो है ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ये इंटरफेसिंग स्कीम है इसने दे दी यहाँ पर वही सी एल के गेट और ये वाली पिन लगा दी इसने दो इनपुट एक आउटपुट ये गेट वन और ये इस तरीके से लगा दी यहाँ पर टू मेगा आट्स की फ्रीकवेंसी क्लॉक पल्स दी है और यहाँ पर गेट टू पर प्लस फाइव वोल्ट दिया है इसने काउंटर नंबर टू पर काउंटर नंबर टू की बात हो रही है यहाँ पर इन्हीं किसको कर रहे हैं आप काउंटर नंबर टू को कर रहे हैं तो काउंटर नंबर टू पर ही आप देखोगे गेट पर प्लस फाइव वोल्ट यहाँ पर दी हुई है डाटा बस आपका डी से लेकर के डी तक रहेगा ही एस बार ए जीरो आपको यहाँ पर दिया हुआ है तो अब ए जीरो ए वन सेलेक्ट करना है सी एस बार आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर जीरो आना चाहिए आपका वैल्यू तो यहाँ पर नॉट गेट लगा हुआ है तो उसके कोरोस्पॉगली हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले हम पोर्ट एड्रेस फाइंड आउट करते हैं चिप सिलेक्ट विल बी एनेबल ए वन ए सेवन इज इक्वल टू वन जब एवन वन होगी तभी आप जो है क्या करोगे उसको वो करोगे अब ए जीरो ए वन ए टू ए थ्री ए फाइव सिक्स सेवन तक जाएगा आपका सेवन तक क्यों जाएगा ऊपर वाले में जो यहां है देखो यहाँ पर ये ए सेवन नंबर पर कनेक्ट है ठीक है तो ए सेवन आपका वन होगा

एंड जीरो जीरो वन जीरो आपका क्या आ गया टू आ गया यहाँ पर ये इसमें कॉमन एट रहेगा और जीरो जीरो वन वन आपका जो रहेगा वो थ्री एट थ्री आ गया आपका तो एट टू आपका एड्रेस अकाउंटर टू का कंट्रोल रजिस्टर का एट्टी थ्री है बड़ा सिंपल सा फंड है ठीक है ना अब सब रूटीन काउंटर की बात कर रहे हैं कं, सब रूटीन काउंटर में कंट्रोल वर्ड का लोड ऑपरेशन और ऑपरेशन की बात हो रही है पर 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 अब अब कंट्रोल ऑपरेशन में पर क्या करा अब पर बात हो रही थी डी जीरो करना तो जीरो कर देंगे मोड की बात हो रही कौन से मोड की बात हो रही है यहाँ पर जीरो मोड की बात हो रही तो तीनों जीरो 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 होंगी कहां पर हो रही मोड जीरो की मोड जीरो विद विद्टी थाउजेंड ठीक है ना तो यहाँ पर क्या करोगे मोड जीरो 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 हो जाएगा आपका अब यहाँ पर कितने बिट का है 50, है, है बिट का काउंट तो दोनों वन वन कर दोगे आप कौन सा काउंटर सेलेक्ट हो रहा है वो आपने अभी देखा ये काउंटर नंबर सेलेक्ट तो काउंटर के लिए लिख दोगे तो कंट्रोल वर्ड और लोड ऑपरेशन के लिए जो यूज हुआ वहाँ पर आपका बी जीरो ऑपरेशन के लिए अब लेचिंग ऑपरेशन में क्या कह रहा है वो द सब रूटीन शुड आल्सो इंक्लूड रीडिंग ऑपरेशन ऑन फ्लाई वैन काउंटर इज टू जीरो अब यहाँ पर देखो लेचिंग के लिए क्या कह रहा है सेलेक्ट काउंटर टू काउंटर टू सेलेक्ट हो रहा है आपका फोर्ड लेचिंग ऑपरेशन हो रहा है तो ये जीरो 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 रहेगा आपका यहाँ पर मोड जीरो है ही पता ही है आपको काउंटेंट बाइंड्री कर रहे हैं हम तो यहाँ पर जो है आप जो काउंट जैसे करते हैं बी जीरो और एट जीरो ये क्या है शुरू की चार बिट आपकी वन जीरो वन वन जो थी वो बी के इक्विलेंट हो गया और ये लास्ट की चारों बिट जीरो हैं तो ये जीरो हो गया सिमिलरली यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा वन जीरो 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 ये आपका एट होगा यहाँ पर जो है चारों जीरो 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 होंगे तो ये आपका एट जीरो होगा ठीक है ये लेचिंग ऑपरेशन अब इसका मेन जो सब रूटीन प्रोग्राम जो बनाया वो ये बनाया सबसे पहले आपने क्या करा कंट्रोल वर्ड को इनिशियलाइज कर दिया काउंटर टू क्या करा काउंटर टू इसका बी0 एड्रेस आया था ऊपर काम पर आया था ये आया था बी0 तो ये कंट्रोल वर्ड है जो कंट्रोल वर्ड में आएगा ऊपर हमने प्रोग्रामिंग स्टेप्स में पढ़ा था जो भी कंट्रोल वर्ड में आ रहा तो उसको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में आप कॉपी करोगे तो बी0 आपका एक्यूमुलेटर पे गया और एक्युमुलेटर जगह जो कंटेंट था वो 83 पर आ गया अब ये 83 क्या है ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस होगा ये यह यहाँ पर देखो एट थ्री एच ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का एड्रेस है तो जो भी आपने कंट्रोल वर्ड में जो भी लोड किया उसको आपने इसपे लीजिए तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपका इनिशलाइज हो गया काउंटर नंबर टू अब लो ऑर्डर बाइट ऑफ काउंटरिंग 50 जो है वो एक्यूलेटर में मूव करोगे अब जो भी आपने लो बाइट इसमें इसमेंटर में लोड की इमीडिएटली लोड ही कर रहे हो आप ठीक है ना तो वो अब आउटपुट 82 अब जो ये 82 आया ये किसका आया काउंटर नंबर टू लोड द काउंटर नंबर टू विदर बाइट काउंटर टू का एड्रेस है एट ये कहाँ से आया ये अभी हमने यहाँ पर पढ़ा था एट टू एच काउंटर टू का है तो काउंटर टू पे पहुंचा दिया लोड कर दिया क्या आपने लो ऑर्डर बाइट से अब क्या करोगे आप हाई ऑर्डर बाइट लोगे अब वो जो हाई ऑर्डर बाइट होगी वो उसको एक्विटर में मूव करोगे देन फिर उसको आउटपुट एट टू फिर क्या करोगे लोड काउंटर टू दोबारा से कर दोगे किस से करोगे हाई ऑर्डर बाइट से करोगे यहाँ पर लो ऑर्डर बाइट की थी आपने अब आप क्या कर रहे हो कंट्रोल वॉल टू लेचे अकाउंट अब कंट्रोल वर्ड में आप क्या डाल रहे कौन, वो क्या कहते हैं लेच काउंट लेच काउंट कहाँ से डालोगे जो आपका ये आया था लेचिंग ऑपरेशन के लिए ये एट टू था एट जीरो था सॉरी तो एट जीरो को सबसे पहले आपने आपनेटर में मूव किया फिर आउटपुट uh, कमांड uh, से आप क्या करोगे एक्मलेटर का डाटा कॉपी करोगे एट थ्री एच में एट थ्री एच में आपका अब क्या आ गया एट जीरो आ गया वो uh, फिर आप क्या करोगे इनपुट ऑपरेशन से रीड लो बाइट और लोडर बाइट लोडर बाइट कैसे रीड करोगे आप इन तो वहां पर क्या होगा मतलब जो इन कमांड से कर रहे जो एट टू एच पर एट टू एच पर यहाँ पर आपने कुछ किया था एट टू एच पर क्या किया था लो बाइट की आपकी एट टू एच एड्रेस पर थी तो यहाँ से एट टू एच से वो अगेन क्या आ जाएगा एक्मलेटर में आ जाएगा फिर एक्यूमलेटर से आप उसको मूव कर दोगे डी में स्टोर लोडर बाइट इन रजिस्टर डी रजिस्टर डी में आपने इसको स्टोर कर दिया अब आप क्या करोगे रीड हाई ऑर्डर बाइट हाई ऑर्डर बाइट को रीड करोगे जब हाई ऑर्डर बाइट को रीड करोगे हाई ऑर्डर बाइट कहाँ थी वो भी इस एड्रेस पर थी एट पर हाई ऑर्डर बाइट तो वो हाई ऑर्डर बाइट आप जो फिर अगेन एक्मलेटर में ले जाओगे और फिर ये क्या कर रहा और लो एंड हाई ऑर्डर बाइट टू सेट जीरो फ्लैग जीरो फ्लैग सेट करने के लिए लो ऑर्डर बाइट और हाई ऑर्डर बाइट का वो क्या कर रहे हो आप और ऑपरेशन कर रहे हो ठीक है जेड जेड रीड अब यहाँ पर जो है आपने आर ई डी रीड इस पर जो है वो कमा क्या कहते हैं कि दोबारा से लूप में लगा दिया और ये कब तक चलेगा जब तक काउंटर जीरो नहीं हो जाता एंड रिटर्न टू द दिस इज द सब रूटीन ठीक है अब यहां पर टू सेगमेंट है मेन प्रोग्राम एंड तो मेन प्रोग्राम में क्या आएगा मेन प्रोग्राम में यहाँ पर जो लिखा है वो ये लिखा है एट टू फाइव फोर इज प्रोवाइडेड विद टू मेगा हार्ट क्लॉक सिग्नल देयर फॉर द क्लॉक टाइम वन बाई टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो सेकंड यहाँ पर दिखा रहा डिले प्रोवाइडेड भा बाय द सब रूटीन काउंटर फिफ्टी थाउजेंड वहाँ पर काउंट हो रहा है इन टू जीरो पॉइंट फाइव टू ट्वेंटी फाइव मिली सेकेंड का डिले सब रूटीन से हुआ इफ़ द सब रूटीन इज कॉल्ड फोर्टी टाइम्स अगर सब रूटीन फोर्टीन टाइम्स होगा तो टोटल तो तो डिले विल बी द वन सेकेंड ठीक है अब यहाँ पर इनिसलाइज स्टेक पॉइंटर को इन्नीसिलाइज कर दिया अब जो है बी रजिस्टर लिया उसमें जीरो जीरो सेव कर दिया अब आप क्या कर रहे हो रजिस्टर सी को सेट कर रहे हो काउंटर के लिए जिसमें आपने जो है ट्वेंटी एट एच डाल दिया फोर्टी टाइम्स आप कर रहे हो तो कॉल द काउंटर काउंटर को आप कॉल कर रहे हो तो पच्चीस सेकेंड का डिले आपको यहाँ मिल गया by one, इस by किया, इसको वेट किया जेन वेट यहाँ पर लूप में चलता रहेगा ये अब बी का कंटेंट एक्मलेटर में मूव कर दिया वन सेकेंड इसमेंड जीरो वन इसमें ऐड कर दिया डेसिमल एडजस्ट एक पर ले गए और बी एक्यूबलेटर का डाटा जो आया वो फिर बी रजिस्टर में सेव कर दिया सेकंड सेकंड टाइम्स से पर मूव करता रहेगा तो 25 सेकंड का डिले तो यहाँ पर है ये 25 मिली सेकंड का और 14 टाइम्स इस लूप को चला दिया तो टोटल वन सेकेंड का डिले यहाँ पर आपका प्रोवाइड हो जाएगा ठीक है ना तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आएंगे अब यहाँ पर क्या था ये था क्वेश्चन थर्ड पार्ट राइट ए मैन प्रोग्राम टू डिस्प्ले सेकेंड्स बाय कॉलिंग द सब रूटीन एज मेनी टाइम्स एज द नेसेसरी ठीक है वन सेकेंड का अगर डिले कर रहे हैं तो किस तरीके से हम प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके के प्रोग्राम आएंगे एक्सप्लेनेशन यहाँ पर जो है दिया भी हुआ है इसमें क्वेश्चन में आप जो है इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा <coughs> अब यहाँ पर कह रहा है राइट इंस्ट्रक्शन टू जनरेट ए पल्स एवरी फिफ्टी मिली माइक्रोसेंड फ्रॉम काउंटर जीरो एंड द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज टू मेगा आर्ट फोर एट टू फाइव थ्री फाइव फोर अब ये कह रहा एक है एक इंस्ट्रक्शन है राइट इंस्ट्रक्शन टू जनरेट ए पल्स एवरी फिफ्टी माइक्रोसेकेंड फिफ्टी माइक्रोसेंड हर एक फिफ्टी माइक्रोसेंड पर एक पल्स को जनरेट करना है काउंटर जीरो से ठीक है इनपुट फ्रीकुन आपको टू मेगा की दी हुई है ठीक है <coughs> तो अब यहाँ डी जीरो से लेकर के डी सेवन तक टू जनरेट फिफ्टी माइक्रोसेकेंड फ्रॉम काउंटर तो काउंटर तो सेलेक्ट करना है आपको इट शुड बी इन मोड ठीक है है ना अब पर क्या कह रहा एंड गेट शुड बी हाई गेट शुड बी हाई होगा और ये मोड टू में ही इनिसलाइज होगा तब आप जो है फिफ्टी माइक्रो सेकंड का यहाँ पर पल्स जनरेट करोगे काउंट जो है आप माइंडी में कर रहे हो तो जीरो रहेगा मोड टू है मोड टू में ही पॉसिबल है तो जीरो वन जीरो रहेगा ठीक है एट बिट की एट बिट लोड कर रहे हो तो ये जीरो वन होगा ठीक है पिछले वाले में सिक्सटीन बिट थी और काउंटर कौन सा है काउंटर आप सेलेक्ट कर रहे हो जीरो तो ये आपका क्या रहेगा जीरो जीरो रहेगा तो यहाँ पर जो एड्रेस आएगा वन फोर आएगा वन फोर क्यों आया कि यहाँ से आप देखोगे ये आपका जो है ज़ीरो जीरो 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 वन था तो वन आया ज़ीरो वन जीरो ज़ीरो यहाँ से आया तो आपके पास में फोर आया तो वन फोर एच आपके पास में आया तो <coughs> अब आप ये क्या कर रहे हो काउंट कर रहे हो इन मोड टू काउंट इज डिक्रीमेंटेड एवरी क्लॉक पीरियड एंड एट लास्ट काउंटर काउंटर जनरेट पल्स इक्वेलन टू द क्लॉक पीरियड ऑफ द टाइम तो क्लॉक पीरियड कितना दिया हुआ है टू मेगा आठ कीवेंसी तो टी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन अपॉन टू तो जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो सेकंड आ गया यहाँ पर पल्स शुड भी जनरेटेड एवरी फिफ्टी माइक्रो सेकंड तो फिफ्टी माइक्रो सेकंड पर जनरेट हो रही तो फिफ्टी माइक्रो सेकंड डिवाइडेड बाई जीरो पॉइंट फाइव माइक्रो सेकंड इज विल भीक्वल टू हंड्रेड तो टोटल काउंट आपका हंड्रेड होगा ठीक है तो एक्यूमलेटर में क्या मूव करोगे सबसे पहले आप फोर्टीन एच फोर्टीन एच की कंट्रोल वर्ड फॉर मोड टू एंड काउंटर जीरो ठीक है मोड टू और काउंटर जीरो का जो एड्रेस था वन फोर एच यहाँ पर आया था आपका वो आपने एक्यूमलेटर में लोड कर दिया अब इस एक्यूलेटर में जो लोड किया उसको आउटपुट को कहाँ भेज दिया एट थ्री एच पर भेज दिया एट थ्री एच क्या है आपका एट थ्री एच ऊपर वाले क्वेश्चन से यहाँ से डायरेक्टली उठा लिया जो आपका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर था

अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे दिया हुआ है राइट इंस्ट्रक्शन टू जनरेट किलो हर्ट्स स्क्वायर वेव फ्रॉम काउंटर वन वन किलो हर्ट की स्क्वायर वेव जनरेट करनी है आपको और किस से कंडी काउंटर वन सेकंड एज्यूम डेट द गेट ऑफ काउंटर वन इज टाइड टू प्लस फाइव वोल्ट थ्रू टेन के रजिस्टर एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ कनेक्टिंग द गेट टू प्लस फाइव टू जनरेट ए फ्रॉम काउंटर वन इट शुड सुड बीनलाइज टू मोड थ्री ठीक है स्क्वायर वेव जनरेट किस में होती है आपकी मोड थ्री में होती है तो ये मोड थ्री आपको पता होना चाहिए अगर मोड़ पढ़े हुए होंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा काउंटिंग बाइंडी तो जीरो मोड थ्री है तो जीरो वन वन हो जाएगा आपके पास में और लोड सिक्सटीन बिट का डाटा लोड करना है तो आप क्या करोगे यहाँ पर जो वन वन आ जाएगा आपके पास में वन किलो आट्स की फ्रिक्वेंसी थी ना और काउंटर कौन सा सेलेक्ट करना है वन करना है तो जीरो वन हो जाएगा तो शुरू में आपके पास में क्या आएगा यहाँ पर जीरो वन 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 तो ये आपका हो गया सेवन एंड यहाँ पर आ गया जीरो वन वन ज़ीरो तो ये आपका हो गया सिक्स तो यहाँ पर जो कंट्रोल बोर्ड का एड्रेस आया वो आपका सेवेंटी सिक्स आ गया

स्क्वायर वेव फ्रिक्वेंसी आपको दी हुई है वन किलो आट्स की तो यहाँ से आपको काउंट कैलकुलेट कर देंगे तो टाइम स्क्वायर वेव के लिए वन अपॉन वन वन मिली सेकेंड आ गया तो वन मिली सेकेंड डिवाइडेड बाई उससे जब करेंगे तो टू हंड टू थाउजेंड टाइम्स आपका आएगा डेसीमल में जब इस डेसीमल को कन्वर्ट करेंगे तो जीरो सेवन डी जीरो एच आ जाएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे जो आपका कंट्रोल वर्ड में आया आपका एड्रेस आया था उसको एक्मलेटर में लोड करोगे जब एक्ूमलेटर में लोड करोगे तो आउटपुट कहाँ पर भेज दोगे एट थ्री एच पर भेज दोगे एट थ्री एच का होगा राइट द कंट्रोल वर्ड कंट्रोल रजिस्टर का एड्रेस है फिर जो डी जीरो आया आपका लो ऑर्डर बाइट इसकी जो लो ऑर्डर बाइट है वो लो ऑर्डर बाइट आप काउंट की एक्यूमलेटर में भेजोगे और एक्यूमलेटर से कहाँ भेजोगे एट वन में भेजोगे एट वन क्या है आपका लोड काउंटर वन काउंटर वन का आपका एड्रेस दिया हुआ है ठीक है और जीरो सेवन एच क्या है आपका जीरो सेवन एच जो है हाई ऑर्डर बाइट है हाई ऑर्डर बाइट किसकी काउंट की है यहाँ से आपने फाइंड आउट किया एक्यूमलेटर में लेगे और उसको एट वन पर लेगे एंड स्टॉप द एग्जीक्यूशन ये बड़े सिंपल से प्रोसीजर हैं कुछ इस प्रकार के नोमरिकल ही आपको मिलते रहे